दोस्तों, अपने देश में जब भी बड़े बिजनेस घराने की बात होती है तो हम सबके दिमाग में क्या आता है? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और सिंघानिया। इनमें से आप अंबानी को तो जानते ही हैं, अडानी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, टाटा की लिगेसी देश से कभी खत्म नहीं होने वाला है और बिरला भारत का सबसे बड़ा और पुराना बिजनेस परिवार है। इसमें एक नाम और आता है जो है सिंघानिया। सिंघानिया नाम आप बॉलीवुड फिल्मों में देखते होंगे जो बड़े दौलतमंद शख्स होते हैं, लेकिन इस सरनेम की हस्ती अपने भारत में बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ दोस्तों, सिंघानिया सरनेम की शुरुआत होती है विजयपत सिंघानिया से, जो रेमंड ग्रुप के कभी मालिक हुआ करते थे। रेमंड ग्रुप का अपना एक कपड़ा का बिजनेस है जो पूरी दुनिया में अपने शूटिंग के बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। इस कंपनी का टैगलाइन है रेमंड द कंप्लीट मैन। आज की कहानी इसी कंप्लीट मैन के इनकम्प्लीट स्टोरी की है, जिसकी शुरुआत होती है गौतम सिंघानिया से। गौतम सिंघानिया विजयपत सिंघानिया के बेटे हैं, जो अभी रेमंड ग्रुप का चेयरमैन हैं और अभी अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया से हुए तलाक के बाद खासे चर्चा में भी है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब गौतम सिंघानिया चर्चा में आए हों। इससे पहले भी साल 2018 में वह अपने पिता को प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुके हैं। क्या है रेमंड ग्रुप, विजयपत सिंघानिया और गौतम सिंघानिया की इनकम्प्लीट कहानी, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ एक एक करके पूरे विस्तार से बताते हैं। इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको विजयपत सिंघानिया के बारे में बता देते हैं। दुनिया भर में अपने कपड़ों की वजह से अलग पहचान रखने वाली रेमंड कंपनी साल 1925 में बनी थी। इसका पहला रिटेल शोरूम साल 1958 में मुंबई में खुला था। कपड़ों के अलावा कंपनी टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और एविएशन के क्षेत्र में भी काम कर रही थी। विजयपत सिंघानिया ने 1980 में रेमंड कंपनी की कमान संभाली और इसके बाद इसका स्वरूप आधुनिक होता चला गया। साल 1986 में विजयपत सिंघानिया ने रेमंड का प्रीमियम ब्रांड पार्क एवेन्यू लॉन्च किया। इस ब्रांड के सहारे उसने फैशनेबल कपड़ों की नई रेंज लॉन्च की और साल 1990 में देश के बाहर ओमान में कंपनी का पहला विदेशी शोरूम खोला। साल 1996 में सिंघानिया ने देश में एयर चार्टर सेवा शुरू की थी। विजयपत सिंघानिया को भारत सरकार की ओर से साल 2006 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। सिंघानिया ने एन एंजल इन अ कॉकपिट नाम से एक किताब भी लिखी है, जो लंदन से भारत के बीच उनकी उड़ान पर लिखी गई है। उन्होंने साल 1988 में लंदन से भारत के बीच अकेले ही उड़ान भरी थी। 67 साल की उम्र में हॉट एयर बलून से सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने का विश्व रिकॉर्ड भी विजयपत सिंघानिया के नाम है। उनके पास 5000 से अधिक घंटे तक उड़ान भरने का अनुभव है। साल 1994 में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल की ओर से आयोजित एयर रेस में 24 दिनों में 34,000 किलोमीटर की यात्रा कर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उनकी इस उपलब्धि पर इंडियन एयर फोर्स की ओर से उन्हें एयर कमोडोर की उपाधि से नवाजा गया था। साल 2005 में उन्हें रॉयल एयरो क्लब की ओर से गोल्ड मेडल भी दिया गया था। जब वो बूढ़े होने लगे तो अब विजयपत सिंघानिया बिजनेस से रिटायर होने की सोचने लगे। इसके बाद वह साल 2015 में अपनी कंपनी के सारे शेयर अपने इकलौते बेटे गौतम सिंघानिया को दे दिए। इन शेयर की कीमत उस वक्त 1000 करोड़ से ज्यादा की थी और बदले में विजयपत सिंघानिया अपने लिए बस एक अच्छी लाइफस्टाइल की मांग की थी, जो उस वक्त मान भी ली गई थी। लेकिन फिर बाद में उनके बेटे गौतम सिंघानिया वादे से मुकर गए। इसके बाद विजयपत सिंघानिया अपने ही बेटे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अपने बेटे से घर के अलावा हर महीने 7 लाख रुपए की मांग की, जो कंपनी के नियमों के तहत थी। हालांकि रेमंड कंपनी की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने बताया कि जून 2017 में हुई कंपनी की अनुअल जनरल मीटिंग में सिंघानिया को डुप्लेक्स घर और 7 लाख रुपए हर महीने देने की मांग शेयर होल्डर्स ने ठुकरा दी थी। विजयपत सिंघानिया कभी ब्रिटेन से अकेले प्लेन उड़ाकर भारत आ जाते थे।
मुकेश अंबानी के एंटिलिया से भी ऊंचे घर जेके हाउस में वह रहा करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि उन्हें उसी के जेके हाउस में अपने डुप्लेक्स घर के पजेशन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। उनका दावा है कि उनके बेटे ने उनसे गाड़ी और ड्राइवर भी छीन लिया है और उनके पास अब पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वह फिलहाल साउथ मुंबई में एक किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। विजयपत सिंघानिया के अनुसार, गौतम ने मुझे कंपनी के कुछ हिस्से देने के लिए सहमति जताई थी, लेकिन बाद में वह पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि शुक्र है मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे, नहीं तो मैं आज सड़क पर होता। मैंने उसे सब कुछ दे दिया था, गलती से बचे हुए पैसे से मेरा गुजारा हो रहा है। वह मुझे सड़क पर देख कर खुश होगा, मुझे इस बात का यकीन है। उन्होंने कहा कि जब वह अपने पत्नी और पिता को इस तरह से बाहर कर सकता है तो मुझे अंदाजा नहीं कि वह और क्या कर सकता है। ये तो हो गई विजयपत सिंघानिया की कहानी, और हम अब आपको गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया की कहानी सुनाएंगे। गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी सिंघानिया की शादी साल 1999 में हुई थी। इस शादी से उन्हें दो बेटी है, निहारिका सिंघानिया और निशा सिंघानिया। रेमंड के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने बीते 13 नवंबर 2023 को अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए बताया कि 32 साल के साथ के बाद अब वे दोनों अलग हो रहे हैं। दरअसल दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ था जब दिवाली के दिन मुंबई से सटे ठाणे स्थित रेमंड एस्टेट में गौतम सिंघानिया की ओर से दिवाली पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन इस पार्टी में उनकी पत्नी नवाज सिंघानिया को एंट्री नहीं मिली थी। The strong man, Chandrakant here, who handles the cops and everyone else, and the rest of the gate people, are stopping me at the gate. This is going to go now viral with everything that I have been through and kept quiet about all of this time. Okay? Take a look at the whole environment. Please. Right? Yeah. Take a good look. 13 नवंबर 2023 के बाद से गौतम सिंघानिया और उनके पत्नी के बीच जारी विवाद में अब तक आए मोड़ों की बात करें तो इनमें सबसे खास नवाज मोदी सिंघानिया द्वारा गौतम सिंघानिया की संपत्ति में 75% की हिस्सेदारी मांगना रहा। नवाज मोदी ने तलाक के एवज में गौतम सिंघानिया से अपने और दो बेटियों के लिए संपत्ति का 75% हिस्सा मांगा था। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने सिंघानिया पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया था। गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी सॉलिसिटर नादर मोदी की बेटी है और वह साउथ मुंबई में स्थित एक एरोबिक्स और वेलनेस एक्सपर्ट हैं। वह फिटनेस सेंटर्स की एक चेन चलाती है जिसका नाम है बॉडी आर्ट, और वह रेमंड लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल है जिसका मूल्य तकरीबन 11,875 करोड़ रुपये है। नवाज मोदी के पास निजी हैसियत से रेमंड के 2500 शेयर हैं, जबकि गौतम सिंघानिया के पास सिर्फ 29 शेयर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम सिंघानिया ने नवाज मोदी सिंघानिया की मांग को काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि उन्होंने एक पारिवारिक ट्रस्ट स्थापित करने, परिवार की संपत्ति को ट्रस्ट को ट्रांसफर करने और ट्रस्ट का एकमात्र प्रबंध ट्रस्टी खुद को बनाने का सुझाव दिया है। अब यह पूरा मामला कैसे सेटल होता है, यह देखने वाली बात होगी। इन सब मामलों पर गौतम सिंघानिया के पिता विजयपत सिंघानिया का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ सौंपकर बेवकूफी की है। उन्होंने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को सब कुछ देने से पहले बहुत सावधानी से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अलग होने की स्थिति में पति की 50% हिस्सेदारी स्वतः ही पत्नी के पास चली जाती है, उसे इसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। एक बहुत ही साधारण वकील उसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यह दिला सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी बहू नवाज मोदी पारसी है, इसलिए यह जांचना होगा कि वह हिंदू विवाह अधिनियम के दायरे में आती है कि नहीं।
इसके बाद अब गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोपों सहित हालिया घटनाक्रम पर किसी भी तरह के टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, अपनी दो खूबसूरत बेटियों के हित में मैं अपने परिवार की गरिमा बनाए रखना चाहूंगा और मैं किसी भी तरह का कोई भी टिप्पणी करने से बचूंगा, कृपया मेरी निजता का सम्मान करें। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से 13 नवंबर 2023 से लेकर 22 नवंबर 2023 के बीच कंपनी के शेयरों में 12.5% तक की गिरावट देखी गई है। इससे कंपनी का मार्केट कैप करीब 1500 करोड़ रुपया कम हो गया है। जाहिर सी बात है, कंपनी के अंदर हुए इस कलेश का बिजनेस के ऊपर नुकसान तो होगा ही, लेकिन यह बिजनेस है जहां पर यह बातें ज्यादा समय तक मैटर नहीं करती है। तो यही थी द कंप्लीट मैन का टैगलाइन देने वाली रेमंड कंपनी और उसके चेयरमैन गौतम सिंघानिया की इनकम्प्लीट कहानी। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।